तो आज है बारात के आने का दिन और गांव की सुबह कितनी सुंदर होती है ये आप देख सकते हैं। ऐसी शांति और ऐसी खूबसूरती बस गांवों में ही देखने को मिलती है। और ये है हमारे गांव का मंदिर जहां पे सुबह जो है वो आरती शुरू हो जाती है और इसी से हम सब की नींद भी आज खुली है। कल रात की बड़ी मंदोली हो गई, बहुत अच्छे से दमचक के साथ में ख़त्म। तो व्लॉग को एंड तो मैं नहीं कर पाई। तो आज है डे टू बारात के आने का दिन और अभी सुबह हुई है, बस नाश्ता वाश्ते का टाइम हुआ है तो बस नाश्ता वाश्ता कर रहे हैं। उसके बाद शाम को आएगी बारात, तो बारात के लिए फिर से रेडी होंगे। और ये है मेरा अभी का लुक, ये मैं रेडी हुई हूँ। तो बस अभी सबको लेके चिल्ड्रन पार्टी को आ जा, आइए आ जा। तो यहाँ मेरी बिटिया रानी हो गई थोड़ी सी नाराज क्योंकि हिया दीदी ने उसको थोड़ा डांट दिया, तो मैं बस उसको चुप कराने में लग गई और उसके बाद हम निकल गए नाश्ता करने के लिए। गांव में बच्चों को गाय भी दिख जाए तो भी एक एडवेंचर लगता है, शहरों में ये चीज़ें भी देखने को नहीं मिलती है, तो बस मेरी यही इसी में खुश हो गई। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छा नुस्खा कि गांव में जब मिट्टी उड़ती है तो मिट्टी से बचने के लिए सबसे बढ़िया साधन है बस घूंघट निकाल लेने का, ऐसे तो ना लगेगी धूप और ना उड़ेगी मिट्टी, है ना। चलो, तो उस दिन थोड़ी सी गर्मी ज्यादा थी तो ये सीन आपको हर गांव में देखने को मिल ही जाएगा। जहाँ पे भी थोड़ा सा भी पानी इकट्ठा मिल जाए तो गांव के जो गाय भैंसे हैं वो उसमें उतर जाती है और बस अपनी गर्मी को दूर भगाती है। और ये है गायों के पानी पीने के लिए जो गांव में। तो अभी हो गया है खाने का टाइम, ये हो गया लंच। तो ये है जगह जहाँ पे हम खाना खाने आए हैं, गांव में ही अरेंजमेंट किया हुआ है। और चलो चलते हैं खाना खाने। क्या है ये? मूंग दाल, ककड़ी, ये तो रोटी आ गई, ये चावल आ गए, ये देसी कड़ी। बस तो आ गए हैं अब खाना खाने, ये है पूरा अरेंजमेंट, बस खाना खाएंगे। बहुत गर्मी है, फिर घर जाएंगे और सो जाएंगे, फिर शाम को जब बारात आएगी तब रेडी होंगे। चलिए खाना खा। तो ये है शाम की जो संध्या आरती होती है हमारे गांव में, उसके धुन, और सुनिए ये आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। बस अब बारात आने का टाइम हो गया था और हम भी हो गए थे रेडी। तो ये है मेरा बारात लुक, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। बारात आ गई है, रात हो गई है और ये मेरा बारात वाला लुक। तो कैसी लग रही हूँ ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बस अब दूल्हा आने वाला है और दूल्हे का तिलक होगा, दूल्हे को अंदर लिया जाएगा और फिर फेरे-वेरे के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। तो हमारी चिल्ड्रन पार्टी भी तैयार हो गई है बिल्कुल एकदम ट्रेडिशनल वे में। ये देखो सारे एकदम लग रहे एकदम बारात का वेलकम करने वाले। तो बस अब हम जा रहे हैं दूल्हे को वेलकम करने और फिर खाएंगे। बोलो क्या खाने वाले? खाना। मेरी बड़ी दीदी भी एकदम रेडी और ये है दीदी की डॉल, मेरी पर्सनल फोटोग्राफर। मतलब मेरी वेडिंग के जितने भी आप व्लॉग्स देख रहे हैं, वेडिंग के जितने भी पिक्चर्स आप देखते हैं ना, उसकी सारी पिक्चर्स का क्रेडिट जाता है इसको। और बेचारी मेरी रील्स ले लेके थक गई है, बेचारी बच्ची को बहुत बहुत बाहर डाल दिया है मैंने। ये मेरी पर्सनल फोटोग्राफर है और बस हम हो गए सारे रेडी, अब जा रहे हैं उनको वेलकम करने। तो चलो चलते हैं। तो ये पीछे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हो रही है मिलनी, मतलब बारात जो आई है उसका वेलकम किया जा रहा है यहाँ पे। ये पूरा गांव जो होता है उसके बाहर के एरिया में किया जाता है, यहाँ से बारात जो है वो रिटर्न हो जाएगी, सिर्फ दूल्हे को घोड़ी पे बिठा के अंदर लिया जाएगा और उसका वेलकम किया जाएगा। तो ये बारात के आते ही लड़की वाले और लड़के वाले
एक दूसरे की मनवार करते हैं। गांव का जो बाहर का एरिया होता है वहां पे सब लोगों को बिठाया जाता है और एक दूसरे की मनवार की जाते हैं ड्राई फ्रूट्स के साथ, खिलाना पिलाना जो भी होता है, और उसके बाद बारात यहां से खाना खाने के लिए निकल जाती है और दूल्हे को घोड़ी पे बिठा के गाँव के अंदर लिया जाता है। आज भी हमारे गांव में ये नियम है कि यहाँ से सिर्फ दूल्हा जो है वो गांव के अंदर आता है और बाकी सभी लोग जो बारात होती है उनके साथ जो भी लोग होते हैं वो सब जहाँ पे व्यवस्था होती है वहाँ चले जाते हैं, और यहाँ पे जो घर की कुंवारी कन्या होती है वो दूल्हे का वेलकम करती है कलश के साथ। तो ये हो गई है हमारे दूल्हे राजा की एंट्री, बहुत ही क्यूट से लगे मेरे को भी। और बस यहाँ से इनको अंदर लेके यहाँ पे तिलक किया जाएगा और फिर फेरों की तैयारी शुरू होगी। गांव में जब भी किसी की बारात आती है तो पूरी गांव की महिलाएं जो होती हैं वो एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं और दूल्हे का स्वागत किया जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि चादर है, चादर के इस तरफ जो है वो महिलाएं खड़ी होती हैं और उस तरफ जो है वो दूल्हा खड़ा होता है, और इस चादर को बीच में रख कर ही दूल्हे का तिलक किया जाएगा और उसके बाद में ये चादर हटा दी जाएगी और दूल्हे को घर के अंदर ले लिया जाएगा। गांव में सबसे पहले जो दुल्हन की माँ होती है वो अपने जवाई को सिक्के पे दही लगा के उसका तिलक करती है और उस सिक्के को उनकी ललाट पे चिपका दिया जाता है और उसके बाद सारे रिचुअल्स शुरू होते हैं। यहाँ पे पांच है, यहाँ पे जितनी है बस ये, बाकी तो भाई लोग तो 12 है। तो बिंदनी गैंग बहुत लंबी और स्ट्रांग है हमारी, सारे फेसेस दिख रहे हैं आपको सुंदर सुंदर खूबसूरत से। चलो एक साथ में बोलते हैं 1 2 3 ये 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 है गर्मी, गर्मी का प्रकोप 10 मिनट में सब कुछ उतर गया है, ये रियलिटी। बाल दिखाना, बाल बाल दिखाना, बाल दिखाना अपने, रियलिटी ये देख लो, देख लो भाई बेचारे फिर से कॉटन की ड्रेस में आ गए, सब ताम जाम उतार लिया है। तो ये है जगह जहाँ पे पूरी बारात के ठहरने की व्यवस्था की है, ये यहाँ पे डॉम बनाया है पूरा, और ये यहाँ पे खाने का पूरा सब कुछ बनाया है। अभी जा रहे हैं हम लोग भी खाना खाने। ये देखिए, ये गांव में एक खेत में बनाया है इन्होंने सब कुछ। तो आज भी मेरे गांव में ये नियम है कि पहले बारात जीमती है और जब सब बारात का खाना हो जाता है उसके बाद ही जो लेडीज़ होती हैं वो आ पाती है वहाँ पे खाना खाने के लिए, क्योंकि पहले जेंट्स खाना खाते हैं उसके बाद ही लेडीज आती हैं। खाना खाया तुमने? क्या 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 खाया लड्डू ने? और
ओके, मंचूरियन और नूडल्स तो एक ही होते हैं। अच्छा हाँ, सॉरी 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 सर, मिस्टेक हो गई। अब उन्हें क्या खाया? ओके, सबसे बेस्ट क्या है टेस्ट में? ओके, आई ने क्या खाया? और हिया ने क्या कहा? बहुत कुछ। तो अब टूट पड़ने वाले हैं हम लोग, सीधा इस पे पहले ये खाऊंगी मैं। तो सबसे पहले खाने वाली हूँ मैं फ्राइड राइस। तो खाना वाना नहीं खाने वाले हैं हम लोग, सिर्फ खाएंगे फास्ट फूड। ये पूरा स्टॉल जो है, ये रैक जो है पूरी, ये फास्ट फूड की है। तो बस यहाँ से शुरू कर रहे हैं फ्राइड राइस से, फिर तो जाएंगे आगे चाट की तरफ, बहुत कुछ है। तो पहले गाँव में इतनी सारी चीज़ें नहीं रखी जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे गाँव भी आधुनिक होते जा रहे हैं और गाँव में भी सारी चीज़ें रखी जाती हैं। तो सारे जो भी फास्ट फूड होते हैं वो भी अब गाँव में भी खाने को मिल जाते हैं। और आखिर में हम सब लोग, ननंद और भाभियाँ जो भी हैं हमारी, सब मिलके बैठ गए और हम सब लोगों ने बहुत कुछ खाया। मतलब गिनती नहीं है कि क्या क्या खाया, दिख रहा है आपको कि हमने बहुत कुछ खाया है और बहुत एंजॉय किया। बहुत टाइम बाद इतना क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ बिताया, और ये चीज़ जो बचपन में सबने की होगी, कूलर के आगे मुंह करके गाने गाने। तो आज बहुत दिनों बाद बच्चों के साथ में मैंने भी अपने बचपन को फिर से जिया और खूब एंजॉय किया। और अब फाइनली फेरों की रात आ गई, दुल्हन का फोटोशूट चल रहा है ऊपर छत पे। हम सब तो खाना वाना खा के आ गए, दुल्हन जो है वो अपने पिया की याद में बैठी है और ज़रूर इसके मन में ये गाना चल रहा होगा, साजन जी घर आए। तो फेरे बहुत लेट नाइट के थे और हम बच्चों की वजह से इतना देर तक नहीं जग पाए, तो हम घर आ गए। और अब है डे टू और आ गया है पडला। तो आपको दिख रहा होगा कि क्या क्या आया है दुल्हन के लिए। तो ये है पडला, और दुल्हन के लिए बहुत ही सुंदर पडला आया है जो लड़के वाले लेके आए हैं अपनी दुल्हन के लिए। हेलो एवरीवन, और अब है डे थ्री। तो शादी तो रात के पूरे हो गए, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो मैं नहीं बैठ पाई फिर में। अभी आया है पडला। वैसे जो मैंने मेरी लास्ट शादी का व्लॉग जो डाला था मासी के बेटे की, उसमें मैंने आपको सब कुछ अच्छे से बताया है, क्या चीज़ कैसे होती है, हमारे रिचुअल्स कैसे होते हैं, हमारे फंक्शन भी कैसे होते हैं, कहाँ पर क्या क्या चीज़ें आती है, क्या क्या चाहते हैं। वो थी लड़के की शादी, मैंने सब कुछ बताया है आपको। तो आज आया है इसका पडला, ये मैं आपको दिखाती हूँ कैसा है। तो ये है सब कुछ पडले का सामान, जिसमें ये है गोल्ड, बाजूबंद है, बैंगल्स हैं, मंगलसूत्र है, बाकी ये है पांच पोशाके, ड्राई फ्रूट्स, बैंगल्स, और बाकी ये सारा सामान। ये सारा कुछ जो है वो दूल्हा पक्ष जो है वो दुल्हन के लिए लेके आया है न्यूली ब्राइड के लिए। तो हो गई है शादी पूरी और बारात जाने से पहले हम लोग निकल गए हैं, क्योंकि कुछ अर्जेंट काम आ गया तो जाना पड़ रहा है। तो बारात अभी जानी है, लेकिन हम लोग घर के लिए निकल गए हैं। मैं वापस जोधपुर के लिए निकल गई हूँ, ससुराल के लिए, वहाँ चली जाऊँगी। और बस जितना एंजॉय करना था कर लिया हम लोगों ने। दीदी मेरी साथ है, दीदी जिया जी छोड़ने आ रहे हैं मेरे को, और छोड़ के बस निकल गए हैं। तो आशा है आपको मेरा ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा, ये शादी की सीरीज, गाँव की शादी जो थी ये अच्छी लगेगी। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा हौसला बढ़ाएं। और आखिर में देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये इधर देख। तो निकल गए हम लोग, भैया ये अही, ये जिया जी, ये दीदी, और ये हमारा अब्बू महाराज, सब लोग साथ में। अब ये मुझे छोड़ेंगे, फिर ये अपने घर निकल जाएंगे। तो बस यहीं पे ख़त्म करते हैं हमारा ये व्लॉग।